पिलपाई रोल। और इस रोल में हम मैं इसलिए आया हूँ विशेषकर, यहाँ एक जड़ मिलती है जिसको यहाँ कहते हैं कमोवा जड़, यानी कि कमल जड़। कमल जड़ के ये फायदे हैं कि आपकी सर्दी जुकाम खांसी, मैं इस पिलपाई रोल के अंदर आया हूँ और यहाँ पर मैं कमल जड़ की खोज में। कमल जड़ यहाँ बहुत ज्यादा होता था जब हम बचपन में, कभी भी वगैरह खांसी वगैरह होती थी, आज भी तो कमल का जड़ सबसे महत्वपूर्ण है और यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है कमल जड़, कमोवा जड़ यूं कहीं पहाड़ में। और वो विशेषकर उसका जो यूज है वो खांसी सर्दी जुकाम आदि में बड़ा काम आता है। और माँ ऐसा नहीं था, ये आपदा आने से ये पिलपाई रोल ऐसा हो गया है, लेकिन पहले पिलपाई बहुत अच्छी थी। देखिए मुख्य सड़क के पास ही है और ये आज पूरी तरह से पट चुकी है, लेकिन फिर भी ये कमल जड़ जो है इस प्रकार से चट्टान पर चिपकी रहती है और इसको यहाँ से निकालेंगे और ये जड़ जो है काफी फायदेमंद होती है। तो यही है कमल जड़, देखो हम इसको अब निकालने वाले हैं और इसको एक लकड़ी का सहारा लेंगे और निकालो ऐसे देखिए हाथ ये, से। हाँ आराम से निकालो। हाँ ये देखो, ये है इसकी जड़, देखो ये है ना, ये है कमल जड़। ये देखो इसको ऐसे, ये देखो, तो ये हमने, ये देखिए मैं इसको निकालने जा रहा हूँ कमल जड़ को, ये देखिए। तो इस प्रकार की ये जड़ी है और ये जड़ी सर्दी जुकाम खांसी आदि इन सभी रोगों में फायदेमंद है कमल जड़। ये इसके पत्ते जो है इतने चौड़े चौड़े होते हैं और ये इस प्रकार से चट्टानों पर चिपकी हुई मिलती है और ये जड़, और ये पिलपाई रोल में बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर ये है। ये देखिए ये कमल जड़ दूसरी मानसी लेके आई है, ये है कमल जड़। मैं इसको धो के दिखाता हूँ, ये भी, ये जो है ना, तोड़ना नहीं है रंग, ये भी कमल जड़ है, ये जो पत्ता है ये वाला, और ये जड़ यहाँ पर ये देखो ये लगी हुई है, ये कमल जड़। तो कमल जड़ काफी फायदेमंद है सर्दी जुकाम खांसी। तो मैंने ये पिलपाई रोल से निकाल दी है कमल जड़ और वो सामने इसका ये है पहचान। और अब मैं इसको आपको धो के दिखाऊंगी कि कैसे दिखती है, और पत्ते से काफी चौड़े होते हैं और फायदेमंद है बहुत ज्यादा कमल जड़। तो बने रहिए गुरु के एसबी। अब ये कमल जड़ को धो के देखो कितना साफ इसको धोना है। इसका प्रयोग करने की विधि आपको बताता हूँ, पहले इसको साफ करके धोया जाता है कमल जड़ को, और ये काफी फायदेमंद औषधि है प्राकृतिक, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। साफ करके जितना साफ धोएंगे, इसको साफ करके धोया जाता है और देखिए इसकी जो मिट्टी इसमें लगी हुई है उसको पूरी तरह से हटा दिया, और जो जड़े हैं उनको भी हटा दिया जाता है, और उसके बाद से इसको दब गया। तो देखो इसको इस प्रकार से धो के इतना साफ करना होता है, ये देखिए ये इसके बाहर की जो स्किन है उसको पूरा निकाल दिया जाता है और रगड़ के, अगर आपसे उंगली से नहीं वो करता है तो आप चाकू से भी इसको रगड़ सकते हैं, नहीं तो ये उंगली से ही निकल जाता है आराम से। तो हम इसको साफ कर रहे हैं एकदम, ये देखिए जो इसमें ये कालापन है इसको पूरी तरह से हटाना होता है और उसके उपरांत हम इसको यूज कर सकते हैं, काफी फायदेमंद। लगातार साफ करते हुए जाएंगे और ये बिल्कुल जब साफ हो जाएगा एकदम तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ये देखिए अब हम इसको देख लीजिए, ये एकदम साफ कर दिया गया है और इसको हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए अब ये हमने एकदम से पूरी तरह से इसको यूज करने योग्य में रख दिया है। तो बने रहिए गुरु के एसबी यूट्यूब चैनल से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये है वो कमल जड़, सर्दी खांसी जुकाम इन सब का इलाज है परफेक्ट। अब हम इसको कभी भी डायरेक्टली आप इसको ऐसे करके ये, और इसको आराम से चबाइए, और इसका केवल सूप पिया जाता है रस, और बाकी को थूक देना पड़ता है, और इसका सूप ही जो है वो औषधि गुण उसमें है। तो ये है कमल जड़, काफी फायदेमंद।